मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आई एम क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की जो ये रेसिपी है मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में, तो बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बासमती राइस, लंबे लंबे वाले, तो आप कोई भी ब्रांड की बासमती राइस ले सकते हो। एक ग्लास बासमती राइस के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 ग्लास पानी लिया है, ये पूरा ग्लास पानी और ये 1/4 ग्लास पानी, तो मेजरमेंट को आप ध्यान रखिए। फ्रेश हरे मटर, ये फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश मटर लिए मैंने। कुछ खड़े गर्म मसाले, इसमें मैंने तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी लिया है। 4 चम्मच घी, प्योर घी, आधा छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। सबसे पहले हम राइस को 2-3 बार साफ पानी से धो देंगे अच्छे से। मैंने इसे साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है और पूरा पानी निकाल दिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हम इस रेसिपी को कुकर में बनाने वाले हैं, तो मैंने ये कुकर ले लिया है और उसको प्रीहीट कर लिया। इसमें डालेंगे घी। घी की जगह आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी से बहुत टेस्ट अच्छा आता है। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे खड़े गर्म मसाले। मीडियम फ्लेम पे मसालों को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट बाद इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही तड़कने लगे इसमें डालेंगे हरे मटर। लो फ्लेम पे इस मटर को जो है अच्छी तरह से हम पका लेंगे 2-3 मिनट तक, और कुकर का ढक्कन इस तरह से रख देंगे ताकि ऑयल जो है वो बाहर ना आए। देखिए पूरा मैंने कुकर का ढक्कन लगाया नहीं है, सिर्फ रखा है इसके ऊपर इस तरह से। 3 मिनट बाद कुकर का ढक्कन हटा देंगे। हमारे मटर भी जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे राइस। तो मैंने चावल में पानी नहीं ऐड किया है, अभी से ऐसे ही भून लेंगे इसे। भून लेने से अच्छा टेस्ट आता है चावल में। तो लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे चावल को। ऐसा करने से टेस्ट बढ़ जाता है। 2 मिनट बाद इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने 1 ग्लास और 1/4 ग्लास पानी लिया है 1 ग्लास चावल के लिए, तो मेजरमेंट को ध्यान में रखिए। मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। ये चावल बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। मिला लेंगे अच्छे से नमक को। अब हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का और इसे 3 सीटी होने तक पकाएंगे। और मैंने यहाँ पे फ्लेम को भी हाई कर दिया है। 3 सीटी हो गई है, मैंने कुकर को यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही कुकर को खोलेंगे। 3 सीटी हो गई है, कुकर ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं कि राइस कितना अच्छे से कुक हो चुका है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और आप देख सकते हैं बिल्कुल खुले खुले चावल बने हैं। और मैंने एक सर्विंग बाउल में इसे मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए मैंने मटर पुलाव को सर्व कर दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चावल भी एकदम खिले खिले बने हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है आपको चावल और पानी का। आप इसे ड्राई सब्जी के साथ या ग्रेवी वाली सब्जी के साथ भी इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।